केसीएन में आपका स्वागत है, मैं किंग हमीद। हमें आपसे आने का मतलब क्या, मकसद क्या है हमारा? क्या भी सियासी दबाव में आपको बड़े मुजरिमा नहीं बचना। अब सुपारी किनारा भूति पूरे कर्नाटक आटा की चीन उनको खाली इतना पैसा मिला ले तो मौलवी भी देखते नहीं, आलिम भी देखते नहीं, पॉलिटिशियन भी देखते नहीं। उनका काम क्या है तो सुबह करके चले जा, मार को चले जाना। लेकिन उनके पीछे जो टूल्स काम कर रही ना, हमें आपसे क्या डिमांड करेंगे? तो ऐसे टूल्स चाहे उन्हें कितने बड़े अहदों में भी होंगे, चाहे कितनी बड़ी सियासत की कुर्सी में भी होंगे, उस मुलजिम को आप ऐसे किरदार तक पहुंचाना। हमारी ये डिमांड लेकर पूरा कर्नाटक का इतना बड़ा मैसूर का वफद, बेंगलुरु के उलामा और पूरे मैसूर के बड़े बड़े तंजीमों में जिम्मेदार आपके पास आकर है सर। इसी महा मार्च 8 को मैसूर शहर में एक आलिम यानि हाफिज कुरान, जिनका नाम हाफिज मोहम्मद अहमद, का कत्ल हुआ और बहुत ही, इसको हम ये बोल सकते हैं कि इट इज अ ब्रूटल मर्डर, वैशानियत और जो है रात के 8:15 बजे उदयगिरी मेन रोड पर जब वो जा रहे थे, उनका कत्ल जो है 6 लोगों ने मिलकर किया। उनके ऊपर जो है तलवारों से हमला किया गया, उनका सर फूटा। ये न्यूज जो है हमें अखबार में पढ़े और पढ़ने के बाद में चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन की हैसियत से मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर को फोन पर रابطہ किया और वहां के इंस्पेक्टर से भी बातचीत की और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आज मेरे सामने मौलियों का ये बहुत ही बड़ा वफद हाजिर हुआ, उसमें उनके 5 भाई थे और पूरे वहां के मैसूर शहर के अलग अलग इदारों के उमा इकलाम भी मेरे पास आए और उनका लड़का भी आया जिनका कत्ल हुआ था। उनकी शिकायत ये थी कि मैसूर पुलिस कमिश्नर को और वहां के जो पुलिस ऑफिसर जो इस केस के तहत कर रहे हैं उनको हिदायत दी जाए कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो और मुजरिमों को सजा दी जाए। तो उनके मेमोरेंडम मैंने इश्यू किया और उन्हीं के सामने मैं पुलिस कमिश्नर से बातचीत की और मैंने जो है उदयगिरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से बात किया और जो अभी केस जो है मैसूर सिटी के सीसीबी के इंस्पेक्टर ओयानामी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनसे भी रابطہ किया और जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में सवाल किया और मैंने ये हिदायत दी है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल हो और सच्चाई को जानकर इन्वेस्टिगेशन करें और जितने भी अक्यूज्ड हैं उनका अरेस्ट हो, अरेस्ट होने के बाद में बराबर इन्वेस्टिगेशन हो और जो है इसके अंदर जो भी ये केस के अंदर जो है अबेटमेंट बोलते हैं अबेट किए हैं या जो केस के ये कॉन्स्पिरेसी में जो भी शामिल है तमाम के ऊपर एक्शन लिया जाए। अफसोस की बात है कि सर एक आलिम दीन की निशाना बनाया और ये जो है ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा तो मोरल अटैक्स रिएक्शन आजकल जो यूट्यूब का जमाना है ये चलता रहता है। पहले लोग स्टेज के ऊपर किसी को अटैक करते थे, किसी के खिलाफ बात करते थे, आज जो है एक माहौल बन गया है कि यूट्यूब के जरिए और मोबाइल के जरिए हम जो है हमारा रिएक्शन बता दें, रिएक्शन जो भी हो मगर किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। इस तरह का कत्ल करना खुलेआम जो है एक बहुत ही बैड मैसेज सोसाइटी में जाता है। आज पूरे इमाम मिलकर मेरे पास आए थे, उनमें एक डर का माहौल पैदा हुआ है और मैंने पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत भी दी है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातचीत की है और दूसरा इन लोगों को मैं दिलासा भी दिया और उनको ये भी कहा कि कोई डरने की जरूरत नहीं। मेरा लेटर फिर पुलिस कमिश्नर को जा रहा है और उनसे
इस केस के बारे में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्यों ये केस हुआ है, इसका मोटिव क्या है, सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट भी मैंने तलब की। कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। वो देखिए उस क्या है, उसके बारे में सरकार को भी लिखेंगे। इस वफद ने ये बात कही कि चंद गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो पकड़े गए हैं उनके पीछे कौन है, उनको गिरफ्तार किया। मैंने ये कहा कि इस केस में जो है थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। थरो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि इस केस की जानकारी जिन जिन लोगों को थी और इस केस में जो भी जो है अगर कोई अबेटमेंट हुआ है, कोई प्रोवोक किए हैं या और जो इसके पहले जो भी केसेस होकर आए उसकी भी तहकीकात करके जो है ये मालूम कराना है कि ये जो दुश्मनी पुरानी भी दुश्मनी थी और उसमें जो है मोटिव क्या है वो इम्पोर्टेंट। हर मर्डर केस के अंदर एक इंटेंशन होता है, एक मोटिव होता है, तो वो भी प्रूव करने से जो है अक्यूज का इंटेंशन क्या था, वो क्यों मर्डर की तैयारी के साथ में आए क्या सडन प्रोवोकेशन में आए, ये सारी चीजों की तहकीकात करके कोर्ट के सामने चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। कौन सी जगह है, कहाँ पर मार पड़ा था?